हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक अकाउंट विद न्यू मेथड इन 2022। अगर आपका फेसबुक अकाउंट बनाते ही बंद हो जाता है नंबर के बगैर और ईमेल के साथ, अब जैसे ही बनाते हो वो बंद हो जाता है या वेरिफिकेशन में चला जाता है, तो उसका मैं आज ऐसा मेथड लेके आया हूँ, ना तो वो बंद होगा और लॉन्ग टर्म चलेगा। अब जितने मर्जी ऐसे ईमेल से अकाउंट बना सकते हो, तो वेरीफाई भी आपको मैं करके बताऊँगा नंबर के बगैर, वो भी देखना। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे न्यू ईमेल बना लेना है। ईमेल बना के फ्रेश, जिसके ऊपर कोई भी पहले फेसबुक की आईडी ना बनी हो, ठीक है, आईडी ना बनी हो। और फिर उसके बाद आपने इसी ईमेल से क्रिएट करना है अकाउंट। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे क्रिएट करना है अकाउंट को, और इस बारे में यहाँ पे इतनी पड़ी है ना वीडियो, लेकिन जो मेथड मैं आपको बताऊंगा वो यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। तो चले मैं आपको बताता हूँ कि फेसबुक अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो मैं ईमेल यहाँ से कॉपी करता हूँ, सिंपल, ठीक है, और यही ईमेल यहाँ पे मैं सारा यूज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आपने facebook.com खोलना है सिंपल, और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। ये तो हर बंदे को ही पता होता है, ठीक है। और कुछ भी सिलेक्ट करते हैं, बस कुछ भी सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे क्या करना है कि मेल हो गया, साइन अप, सिंपल, सेव योर ईमेल का नोट भी योर पास। अच्छा, कह रहे हैं कि ईमेल हमारा पासवर्ड नहीं हो सकता, चलो कोई नहीं, हम चेंज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ टाइम लेगा, हो गया भाई, हो गया, ठीक है। अभी इसने ये वेरिफिकेशन कोड मांगा है, हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ये कोड आ गया, और सिंपल कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ये हो गया अपडेट, ठीक है, ठीक है, अकाउंट कंफर्म हो गया, ओके पे क्लिक किया, ओके रिमेम्बर, ठीक है, ये देखो आपका बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि यहाँ पे सबसे वो ये नंबर मांगना शुरू कर देता है, कोई भी आप पोस्ट डालते हो या आप शेयरिंग करते हो या कुछ भी, मतलब यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करते हो ना आप, दो तीन दिन बाद वो मतलब मांगना शुरू कर लेता है आपसे कि अपना नंबर डालो और इसको वेरीफाई करो। तो वो नंबर के बगैर आपका वो भी मसला मैं अभी हल करने वाला हूँ, देखना। तो जैसे ये लॉगिन होती है तो आपने सिंपल यहाँ पे कुछ नहीं करना, कुछ आपने यहाँ पे आते ही पोस्टिंग नहीं शुरू कर देनी, पिक्चरें लगाना, ये वो सारा, ये कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपने आके यहाँ पे क्या करना है, सेटिंग में आना है, सेटिंग में आके और सिक्योरिटी लॉगिन में आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आना है यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे आके इसको पहले वेरीफाई करना है। वेरीफाई हमने सिंपली सारे आके यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे टैक्स पे क्लिक करते हैं, अपना फोन नंबर देते हैं और जस्ट कोड आता है और जस्ट टाइप करते हैं और इसके बाद वेरिफिकेशन, ठीक है, डन। तो हमें ईमेल से वेरीफाई करना है, ईमेल से ही हमें फोन के बगैर सब कुछ इसको वेरीफाई, हर चीज जो भी करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, नंबर हमें देना नहीं है, तो यहाँ पे यूज ऑथेंटिकेशन ऐप है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे ये क्यूआर कोड मांग रहा है, ठीक है, क्यूआर कोड है, ठीक है। आपने क्या करना है कि यहाँ पे आना है गूगल पे, गूगल ऑथेंटिकेटर लिखोगे ना यहाँ पे आके, या ऑथेंटिकेटर अकेला लिखोगे, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, अपने मोबाइल में इसको इंस्टॉल कर लेना है, इस ऐप को इंस्टॉल करके। इस तरह के काफ़ी सारे ऑथेंटिकेटर ऐप है, आप इधर से कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट से कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू, जो आपको अच्छा लगे वहाँ से आप इसको जस्ट उस ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके उसके बाद मैं आपको, ये मैंने इंस्टॉल कर लिया मोबाइल में, तो मैं आपको इसको वेरीफाई करके इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे वेरीफाई करना है। तो मैं अपना ऐप मोबाइल पर खोलता हूँ और जस्ट इसको जब मैं वहाँ पे एक, जैसे ही आप इसको ओपन करोगे वहाँ पे एक नीचे ना प्लस का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, इसी ऐप में। तो प्लस के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और फिर वहाँ पे लिखा होगा एक स्कैन आ क्यूआर कोड, ठीक है। तो आपने जस्ट स्कैन आ कोड जो है ना उसके ऊपर क्लिक करना है, वो स्कैन आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपने इसको जस्ट स्क्रीन से करना है, ये खुद ही स्कैन कर लेगा जब आपने अपना कैमरा ओपन करना है वहाँ से। तो वहाँ पे एक ऐड हो जाएगा आपका फेसबुक का कोड, ठीक है।
तो आपने यहाँ पे कंटिन्यू करना है, जब कोड ऐड आपको वहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आके ना आपने वो वाला कोड जो है ना यहाँ पे आके देना है। मैं डालता हूँ इसको 442, और ये हर एक बल्कि 30 सेकंड के अंदर ये चेंज हो जाता है, 20 से 30 सेकंड के अंदर। तो आपने कोशिश करना है कि इसको जल्दी डाल। अब ये देखो हमारा वेरिफिकेशन भी हो गया है नंबर के वगैरह, ठीक है। और अब यहाँ पे आप अपनी पिक्चर डालो, जो मर्जी डालो आपने यहाँ पे, इस तरह करके आप हर जितने मर्जी अकाउंट फेसबुक के आप बना सकते हो इसे, और जहाँ मर्जी यूज़ कर सकते हो, चाहे लड़कियों के नाम से यूज़ करो, जैसे करना है यूज़ करो। मतलब इस आपका अकाउंट भी बंद नहीं होगा, एक तो नंबर के बगैर, और दूसरा ईमेल पे, ईमेल तो जितना मर्जी आप बना सकते हो, अभी इतना कोई इशू है नहीं इस बारे में। तो ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, टेक केयर।